हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ डेक्सोरेंस सिरप के ऊपर कि ये सच में क्या बेनिफिशियल होता है, क्या इसका रिजल्ट आपको सच में मिलता है। मैं बिल्कुल हॉनेस्ट बात आज आपको बताने वाली हूँ। शायद आपको ये बातें कोई नहीं बताने वाला पूरे यूट्यूब में, जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। डेक्सोरेंस सिरप से क्या सच में आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है, या फिर इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हैं जो आपको नुकसान दे सकते हैं, या डेक्सोरेंस सिरप से क्या आपकी स्किन अंदर से अच्छी होती है, यह आपके बालों पर भी यह असर करता है, या सिर्फ इसके हेल्थ ही बेनिफिट हैं, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हैं, क्या क्या बेनिफिट है, किस तरीके से आपको इसका यूज़ करना चाहिए, इसका प्राइस क्या है, सब कुछ आज मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगी। जी हाँ दोस्त, हेलो दोस्तों, मैं हूँ सना खान। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सना आयुर्वेदा पर। मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक न्यू वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डेक्सोरेंस सिरप के बारे में। ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन इसकी फुल डिटेल आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये किस तरीके से आपकी बॉडी में काम करता है, ये आपको क्या क्या बेनिफिट देता है, ये क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं जिसकी वजह से आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, या फिर इसके प्राइस क्या है, इसके अंदर ऐसा क्या है जो आपकी बॉडी पे बहुत अच्छा वर्क करता है, हेल्थ बेनिफिट भी इसके कितने हैं और क्या क्या हैं, और सच में क्या ये काम करता है, इसका रिजल्ट क्या सच में मिलता है या फिर ये फेक है। तो मैं सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो आपके बहुत काम आएगी दोस्तों। लेकिन दोस्तों, आगे की वीडियो देखने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल सना आयुर्वेदा को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब के जस्ट बगल में एक बेल आइकन यानी घंटी है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो आप हमेशा टाइम पर देख सकें। लेकिन दोस्तों, मैं इतनी प्यारी प्यारी वीडियो लाती हूँ तो एक लाइक तो बनता है, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी कर दीजिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ डेक्सोरेंस की जो पैकेजिंग है वो काफ़ी प्यारी होती है। ब्लू, रेड, ग्रीन और वाइट कलर जो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है, जो काफ़ी प्यारा लगता है और काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगता है। इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत पसंद है। ये 200 ml की CC है जो मैंने ली है और काफ़ी अच्छी है। इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं वो इसके अंदर बताए गए हैं। फोलिक अमोनिया सिट्रेट इसमें 160 mg है, साथ ही साइमोकोबालिन 7.5 mg है, अल्कोहल 0.87 ml है, फोलिक एसिड 0.5 mg है। साथ में इसके यहाँ पे इसका प्राइस दिया गया है 145 यानी 145 इसका प्राइस इसमें दिया गया है, लेकिन अमेजोन पर यह आपको और भी सस्ती मिल सकती है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे बताया गया है कि अडल्ट को इसे किस टाइम कितना लेना है और चिल्ड्रन को इसे कैसे लेना है। तो अडल्ट को, जो बड़े लोग हैं यानी आप 17 से ऊपर वाले जो भी लोग हैं, इसे आप दिन में 2 tablespoons यूज़ कर सकते हैं खाना खाने के बाद। साथ ही इसमें बताया गया है कि आप इसे कहाँ रख सकते हैं, कूल या फिर ड्राई जगह पर आप इसे रख सकते हैं। अब देख लीजिए इसकी पैकेजिंग आपको कैसी लग रही है। इसी पैकेजिंग पे भी आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये प्यारी लगती है या नहीं। इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं वो भी यहाँ पे साइड में दिए गए हैं, और ये देखने में कुछ इस तरीके की आपको नज़र आती है। अब हम इसको खोल के देखने वाले हैं कि ये अंदर से कैसी होती है। तो मैं इसे खोल लेती हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके की निकलेगी। इसके बाद इसके अंदर एक सीसी निकलती है। तो सीसी की बात करूं, ये कांच की होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर ये आपके हाथ से छूट गई तो आपके 145 रुपये गड्ढे में गए, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये कांच की सीसी होती है बिल्कुल, और इस तरीके से होती है, जैसे कि ऊपर जो आपको पेपर मिलता है, जिस टाइप का इसका कवर है उसी टाइप का ये अंदर से देखने में मिलती है, और काफ़ी प्यारी लगती है देखने में। और इसका रिजल्ट की मैं बात करूं तो इसका रिजल्ट हाँ आपको मिलता है, और काफ़ी फास्ट आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलता है, लेकिन किसी किसी पर इसका रिजल्ट 2 months बाद नज़र आता है। ऐसा किसी किसी के साथ होता है। मेरे साथ इसका रिजल्ट बताऊं तो 2 months बाद मेरे ऊपर इसका रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो गया था। मैंने इसे अनेमिया के लिए यूज़ किया था। अगर आपको अनेमिया है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं।
साथ ही ये आपके शरीर को एक एनर्जी देता है, यानी अगर आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, जिस काम को करने में आपको एनर्जी लो फील होता है, वही काम करने में आपको काफी एनर्जी महसूस होती है इसे लेने के बाद से, यानी आपके शरीर में चुस्ती फुर्ती लाता है, शरीर को हेल्थी बनाता है। डेक्सोरेन सिरप का इस्तेमाल इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए भी किया जाता है, यानी अगर आप जल्दी जल्दी बीमार होते हो, यानी आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक है, तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अनेमिया यानी आयरन की कमी, अगर आपके शरीर में आयरन की कमी बहुत है तो इसके अंदर आयरन काफी अच्छी मात्रा में मिलता है, जो आपकी बॉडी से अनेमिया को दूर करता है। अगर आपको भूख नहीं लगती है तो ये आपकी भूख को भी इंक्रीज करता है, पर आप ये मत सोचिएगा कि भूख को इंक्रीज करता है यानी ये आपको मोटा करता है, ये आपको ज्यादा मोटा नहीं करता, लेकिन अगर आप कुछ ज्यादा ही कमजोर हैं तो ये आपको उस कमजोरी को दूर कर देता है। तो इसमें विटामिन B12 है, अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन B12 भी इसमें काफी अच्छी मात्रा में दिया गया है। साथ ही अगर आपका कोई ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है, जिसकी वजह से आपके शरीर में खून की कमी है, कमजोरी है, या फिर लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो चुकी है, या आप हद से ज़्यादा कमजोरी महसूस कर रहे हैं, सामान्य छोटी मोटी बीमारी है, तो आप इस सिरप का यूज़ कर सकते हैं। इसका रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छा और जल्दी देखने को मिलता है, लेकिन आप इसका यूज कितने दिन करें कि आपको इसका रिजल्ट जो है वो काफी अच्छा मिले। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ इसका टेस्ट कैसा है। जी हाँ, तो ये देखिए, देखने में कुछ ऐसी होती है, डार्क रेड कलर है इसका, एकदम मेहरूम टाइप का कलर है, हल्का सा ब्लैकपन आपको नजर आ रहा होगा इसमें, लेकिन ये डार्क रेड कलर है। अगर इसकी टेस्ट की बात करूं दोस्तों, तो इसका टेस्ट काफी मीठा है, काफी मीठा यानी बहुत मीठा है, इसका टेस्ट काफी मीठा है दोस्तों। इसमें आपको इसे पीने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बल्कि आपको ये काफी पसंद आने वाली है। मुझे ये काफी पसंद है, मुझे पीने में बहुत अच्छी लगती है। 2 चम्मच क्या मैं 5 चम्मच पी सकती हूँ इसे, लेकिन 5 चम्मच पीना अलाउड नहीं है, आप सिर्फ 2 चम्मच ही इसका यूज कर सकते हैं। काफ़ी टेस्टी है। अगर आप टेस्ट की बात करें तो जिन्हें दवा लेने में दिक्कत होती है, कड़वी दवा पी नहीं पाते और फिर भी वो चाहते हैं उनकी हेल्थ अच्छी हो, तो वो डेक्सोरेन सिरप का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसे लेना बहुत ईजी है और इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा मिलता है। और इसका नाम मेरे हिसाब से 99% लोगों ने शायद सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो आज इस वीडियो को देखने के बाद सुन ही लिया होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, आप इसे अनेमिया या आयरन की कमी में डेक्सोरेन सिरप ले सकते हैं, शरीर में एनर्जी नहीं है तो आप इसे ले सकते हैं। अगर आप इम्यूनिटी आपकी आप बूस्ट करना चाहते हैं, यानी इम्यूनिटी अगर आपकी अच्छी नहीं है, उसे इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप इसे ले सकते हैं। विटामिन B12 की कमी है तो आप इसे ले सकते हैं। आपका कोई ऑपरेशन हुआ है, ऐसा ऑपरेशन जिससे आपके शरीर में खून की कमी हो चुकी है, तो आप इसे ले सकते हैं। साथ ही आप कमजोरी ज़्यादा फील करते हैं तो भी आप इसे ले सकते हैं, खून की कमी को दूर करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसके क्या क्या बेनिफिट है वो मैं आपको बताती हूँ, कि ये जो चीज़ें इसमें बताई गई हैं, जो मैं अभी मैंने आपको बताया है, इन चीज़ों में आप इसे ले सकते हैं, इन सब चीज़ों में ये काफ़ी अच्छा काम करता है। जी हाँ, इसका रिजल्ट जो है वो आपको काफ़ी बेहतरीन मिलता है, इससे आपके फेस पे एक लालिमा भी आती है। अगर आप चाहते हैं आपके गाल एकदम पिंकिश ग्लो करें, गुलाबी आपके गाल नजर आए, तो हाँ, इसके यूज से आपके गाल काफी गुलाबी नजर आने लगते हैं, जो काफी अट्रैक्टिव और खूबसूरत भी लगते हैं। साथ ही इसके यूज से आपके बाल भी हेल्थी होते हैं, क्योंकि आपके शरीर में खून की कमी नहीं होती, आयरन होता है, शरीर में विटामिन B12 की कमी नहीं होती, एनर्जी देता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, उसकी वजह से ये आपकी पूरी बॉडी में बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है और आपके हेल्थ, आपकी स्किन, आपके बाल तीनों ही अच्छे हो रहे होते हैं। डेक्सोरेन सिरप को अगर इसका कोर्स की बात किया जाए तो इसे आप कंटिन्यू कितने दिन कितने महीने ले सकते हैं, तो जहाँ तक मुझे पता है, मैंने इसे लिया है, इसे 6 मंथ यूज़ आप कर सकते हैं। 6 मंथ के बाद ये डेक्सोरेन सिरप जो होता है आपकी बॉडी में काम कर चुका होता है।
और दोस्तों अगर इसके प्राइस के हिसाब से इसका रिजल्ट देखा जाए कि इसका रिजल्ट जो आपको मिल रहा है इसके प्राइस के हिसाब से, तो ये काफ़ी चीप प्राइस में आपको काफ़ी अच्छी सीसी मिल रही है। काफ़ी अच्छी दवा है आपके लिए जो आपको बहुत ही कम पैसों में आपकी बॉडी पर इतना अच्छा काम कर रही है। अगर आप गर्भावस्था में हैं, यानी आप अगर प्रेग्नेंट हैं लेडीज़, अगर आप बेबी होने वाला है अगर आपके, तो 6 महीने से आपको ये सीसी लेने की सलाह दी जाती है ताकि आपकी बॉडी में खून की कमी ना हो, आपके बच्चे में खून की कमी ना हो। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगी आप इसे डॉक्टर की सलाह से ही लें, मेरे कहने पे नहीं लें, डॉक्टर की सलाह से ही आप इसे इस्तेमाल करें। बाकी अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, जब आप डेक्सोरेन सिरप लेते हैं शुरू में आपको कैसा महसूस होता है, जो कि नॉर्मल है महसूस होना, तो वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। दोस्तों जब आप डेक्सोरेन सिरप लेना स्टार्ट करते हैं, शुरू शुरू में हल्का सा पेट में दर्द हो सकता है आपको, लेकिन अगर ज़्यादा होता है तो आप डॉक्टर को दिखाएं। दूसरा क्या है कि आपको जो मल आता है वो काफ़ी काला आता है, 3 दिन ऐसा होता है, 3 दिन के बाद भी अगर ऐसा हो रहा है तो आप डॉक्टर को दिखाएं। अब दोस्तों मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ कि डेक्सोरेन सिरप किन लोगों को नहीं लेना चाहिए, किन के लिए ये नुकसानदायक हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लीवर का कोई रोग है, कोई बीमारी है लीवर की, तो आप इसे बिल्कुल भी नहीं ले सकते। डॉक्टर की सलाह लीजिए उसके बाद बात करिएगा, आप इसे बिल्कुल भी नहीं ले सकते। अगर इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें इसके अंदर मिलाई गई हैं, अगर उससे आपको एलर्जी है तो आप इसे नहीं ले सकते। किडनी की कोई समस्या है, आपको किडनी में कोई भी समस्या है, तो आप इसे नहीं ले सकते। शराब की अगर आपको ज़्यादा लत है तो भी आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप दूसरी सप्लीमेंट दवाइयां खाते हैं तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। बस इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर आप इसका रिजल्ट की बात करूं तो इसका रिजल्ट सच में काफ़ी अच्छा आता है, और इस टॉपिक को मैंने फुल डिटेल आपको दे दी है कि नहीं यूज़ करना चाहिए कि नहीं यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात और है, अगर आप इसे अनेमिया के लिए यूज़ कर रहे हैं, खाली अनेमिया के लिए अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं, तो आपको इसे सुबह खाली पेट लेना है। खाली पेट लेने से क्या होता है, आयरन आपके शरीर में अच्छे से पच जाता है, अच्छे से समा जाता है, तो उसका जो रिजल्ट है वो आपको काफ़ी बेहतरीन मिलता है। वैसे तो आप इसे खाने के बाद ही यूज़ करें, लेकिन अनेमिया के लिए आप इसे खाली पेट ही यूज़ करें। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू टिप के साथ। तो जब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। और जाते जाते कहना चाहूँगी, आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक हर जगह फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों जब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।